मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज विवेक शर्मा। पिछले वीडियो में हमने एक तो पढ़ा था क्या फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल और एक हमने मैरी एम्पियर लॉ को डिस्कस किया था। इन दोनों के बेस पर ही अब इलेक्ट्रिक मोटर को समझना बहुत इजी होगा। वो इसलिए इजी होगा क्योंकि दोनों अगर एक भी आपने चीजें छोड़ दी तो उसकी जो वर्किंग होगी मोटर की उसमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो इलेक्ट्रिक मोटर पर। एक बार फिर से मैं विवेक शर्मा आप सभी का अनलॉक द साइंस चैनल पर वेलकम करता हूं। तो देखिए इलेक्ट्रिक मोटर, दोनों प्रिंसिपल याद है, एक तो है मैरी एम्पियर और दूसरा नाम है फ्लेमिंग। एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। मैरी एम्पियर ने ये कहा था कि जब आप एक कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो कंडक्टर डिस्प्लेस होगा, मतलब वो एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। फिर हमने उसमें क्या किया था, जो सप्लाई थी उसके टर्मिनल को चेंज करके हमने फोर्स की डायरेक्शन को रिवर्स किया था, और ऐसे जो आपके मैग्नेट के पोल थे उनको भी इंटरचेंज करके हम मैग्नेट जो फोर्स वहां पर जनरेट हुआ था उसको चेंज किया। ये तो था मैरी एम्पियर लॉ। जबकि फ्लेमिंग ने क्या बताया था कि ये जो आपका थंब है लेफ्ट, ये तो मोशन या फोर्स को शो करेगा, ये जो फोर फिंगर है ये किसको शो करेगी। आप कहेंगे सर ये फोर फिंगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगी और ये जो आपकी मिडिल फिंगर थी ये जो करंट जनरेट हुआ था उसको शो कर रही थी। इसी के बिहाफ पर आप किसको डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिक मोटर को। तो देखिए पहले इसका एक डायग्राम बनाते हैं, वहीं से चीजें समझ में आएं। इतना सही है। ये हमारी एक मैग्नेट है, ठीक है, मैग्नेट। और ये मैग्नेट का हमने मान लिया कौन सा पोल, नॉर्थ पोल, ठीक है। एक ऐसी ही मैग्नेट यहां तक बनाए, ये सही रहेगा, ठीक। ये मैग्नेट का कौन सा पोल है, साउथ पोल। दो मैग्नेट हमने रखी थी, ये लीजिए, ठीक है। ये मैग्नेट कौन सी है जिसका पोल है कौन सा, साउथ। ये नॉर्थ है, ये साउथ है। आप इसको ऐसे ठीक, नॉर्थ और साउथ। यहां पर हम एक रेक्टेंगुलर कॉइल का यूज करेंगे, रेक्टेंगुलर कॉइल का यूज।
ये देखिए, ये रेक्टेंगुलर कॉइल यहां से ये और यहां से ये, यहां पर जो लगेगी वो आपकी ब्रश होगी, ब्रशेस। यहां पर ये जो लगा हुआ ये, इसको हम स्प्लिट रिंग के नाम से जानते हैं, स्प्लिट रिंग। एस और ये काम करती है कम्यूटेटर, यहां पर हम एक सप्लाई जोड़ रहे हैं, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ठीक, नेगेटिव टर्मिनल ये आपका। तो ये हमारा किसका डायग्राम है? आप कहेंगे सर ये डायग्राम हमारा इलेक्ट्रिक मोटर का है। अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं क्या? इसको नाम दे देते हैं ए, इसको नाम दे देते हैं बी, ये हो गया सी, और ऐसे ही आपका हो गया डी। कंस्ट्रक्शन जब हम देंगे इसमें, तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं? आप कहेंगे सर एक रेक्टेंगुलर कॉइल ए बी सी डी इज प्लेस्ड बिटवीन या सस्पेंडेड बिटवीन टू मैग्नेट नॉर्थ एंड साउथ पोल। उसके बाद हमने यहाँ पे ब्रश कनेक्ट की है और यहाँ पर एक स्प्लिट रिंग को कनेक्ट किया है और इन दोनों को हमने एक पावर सप्लाई से जोड़ दिया है। तो ये हमारा कंस्ट्रक्टेड डायग्राम है इलेक्ट्रिक मोटर का। तो हम इसमें देख देते हैं क्या क्या। एक तो कहेंगे सर पहला है क्या क्या चीज चाहिए, तो कंस्ट्रक्शन देखिए क्या क्या चीज चाहिए आपको। पहला कहेंगे सर मैग्नेट, और क्या चाहिए आप कहेंगे सर रेक्टेंगुलर कॉइल, कोई इसके साथ साथ क्या चाहिए आप कहेंगे सर स्प्लिट रिंग, और क्या चाहिए आप कहेंगे सर पावर सप्लाई, और आपको क्या चाहिए ब्रशेस। ठीक है, अब इसकी वर्किंग प्रिंसिपल देखें। जैसे ही हम सप्लाई को ऑन करेंगे, एक करंट आपका यहाँ पर इंड्यूस होगा, ये करंट इंड्यूस होगा और ये आपका इस रेक्टेंगुलर कॉइल ए बी सी और डी के होता हुआ क्या है नीचे की तरफ आए। इसका मतलब क्या हुआ, व्हेन वी गिव सप्लाई टू द रेक्टेंगुलर कॉइल ए बी सी डी, ए करंट इज प्रोड्यूस एंड ड्यू टू करंट ए मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो प्रोड्यूस, एक मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पर जनरेट होगा। जैसे ही आपका करंट हाफ वे में पहुंचेगा, मतलब ए बी ये, तो जैसे ही यहाँ पर पहुंचा तो इसका मतलब ये हुआ कि हाफ वे जैसे ही होगा तो हम कहेंगे कि ये जो आपका स्प्लिट रिंग या कम्यूटेटर लगा है ये हमारे करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है। स्प्लिट रिंग या कम्यूटेटर क्या करता है, किसी भी सर्किट में करंट की डायरेक्शन को अपोजिट कर देता है, रिवर्स कर देता है। इसका मतलब जो करंट पहले हाफ वे में ए बी
से होके आ रहा था, अब वो करंट आपका कहाँ से आएगा? आप कहेंगे डी सी बी ए, तो पहले हाफ में तो कहाँ रोटेट करेगा? ए बी सी डी ए, लेकिन दूसरे हाफ में कहाँ पर करेगा? डी सी बी ए। क्लियर हुई बात? फिर से समझ लो कि स्प्लिट रिंग क्या है, एक कम्यूटेटर है, और कम्यूटेटर इज ए डिवाइस विच रिवर्स द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, मैंने जैसे ही सप्लाई ऑन की, तो सप्लाई ऑन की तो आपका जो करंट है वो कॉइल में से घूमेगा, और उस कॉइल का नाम है ए बी सी डी। लेकिन जैसे ही करंट आपका ए बी सी डी से होता हुआ हाफ वे तक पहुंचेगा, तो आपका ये स्प्लिट रिंग काम करना स्टार्ट करेगा, और जैसे ही ये स्टार्ट करना करेगा तो स्प्लिट रिंग क्या करेगी? करंट की डायरेक्शन को रिवर्स। तो जो पहले करंट ए बी सी डी ए की ओर बह रहा था, अब वो रिवर्स हो गया, तो रिवर्स हो गया तो डी सी बी ए की तरफ आ गया। इस तरह से ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी, और प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी तो मोटर आपकी लगातार क्या करेगी? रन करेगी। तो यहाँ पर हमने किसके प्रिंसिपल को यूज किया है? एक तो मैरी एम्पियर, जिसने करंट की डायरेक्शन को अप्रोच किया, तो वहां पे फोर्स जो था वो अपोजिट हो गया। और किसका यूज किया हमने? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। तो यहाँ पर अगर मैं ये कहूँ कि एक इलेक्ट्रिक मोटर किसके वर्किंग प्रिंसिपल पर काम करेगी, तो मैरी एम्पियर एज वेल एज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड थंब, लेफ्ट हैंड रूल। तो यहाँ से देखिए, हटाऊ, सॉरी ये तो रहने दो, अब मैं इसको हटा रहा हूँ। अब मैं इसको सारे को एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये कंस्ट्रक्शन था, आप कहेंगे सर वर्किंग प्रिंसिपल, तो वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? आप कहेंगे सर ओम लॉ ऑफ, एक तो नाम आएगा किसका? मैरी एम्पियर, एज वेल एज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, हमने किसका यूज किया था? स्प्लिट रिंग। यहां पर हम क्या लिख रहे हैं? इट एक्ट्स एज कम्यूटेटर विच रिवर्स द करंट डायरेक्शन। ठीक है जी, तो स्प्लिट रिंग या कम्यूटेटर की डेफिनेशन दे सकते हैं एक नंबर। आगे देखिए, आगे कह सकते हैं हम क्या? अब ये वर्किंग प्रिंसिपल है, तो वर्किंग देखिए कैसे स्टार्ट होती है। ए रेक्टेंगुलर कॉइल, और क्या नाम है उसका? ए बी सी डी इज सस्पेंडेड between north and south pole of magnet। ठीक है, और ये rectangular coil एक soft iron core होती है, और कुछ नहीं। अब कहेंगे सर as current
फ्लो, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज परमियस, मैग्नेटिक फील्ड इज परमियस हो गया। आप कहेंगे सर ड्यू टू इफेक्ट ऑफ इसका भाई मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड को किससे लिख सकते हैं बी से, तो ड्यू टू इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी कॉइल गेट्स डिफ्लेक्टेड ड्यू टू कॉइल गेट्स डिफ्लेक्टेड ड्यू टू एक्सर्टेड फोर्स, ठीक है, एज इट रीचेस ऑन इट्स हाफ वे, जैसे ही ये अपने हाफ वे में पहुंचेगी ना तो क्या हो जाएगा, अब स्प्लिट कम्यूटेटर काम करेगा, देन कम्यूटेटर या स्प्लिट रिंग क्या कर देगा, आप कहेंगे सर कम्यूटेटर रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, और जैसे ही करंट की डायरेक्शन रिवर्स होगी तो जाहिर सी बात है वहां पर जो फोर्स जनरेट हुआ था उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, रिवर्स ही हो जाएगी, और यही किसका प्रिंसिपल था, मैरी एम्पियर, ठीक है। देखो करंट फोर्स आल्सो रिवर्स हो गया, एंड कॉइल rotates in another half way. बस तो इसका मतलब ये हुआ कि जब करंट क्या हुआ, शॉर्ट में लिख देते हैं, जब आपका करंट जो है वो इंड्यूस हुआ, कैसे, आप कहेंगे सर A B C D, तो आप कहेंगे सर इन फर्स्ट हाफ, पहले हाफ में अब कम्यूटेटर ने डायरेक्शन चेंज की तो करंट की डायरेक्शन चेंज हुई, और अब क्या हो गया वो D C B A उल्टा हो गया, आप कहेंगे सर इन सेकंड हाँ। ये प्रोसेस आपकी क्या रहेगी, कंटिन्यू रहेगी, और ऐसे ही आपकी मोटर क्या करने लग जाएगी, रोटेट करने लग जाएगी। एक सबसे अच्छी बात और देख लीजिए, एक बार मैग्नेट जो होती है वो परमानेंट मैग्नेट है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होती है वो टेम्परेरी है। इलेक्ट्रोमैग्नेट ही हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर में, क्यों, क्योंकि बार मैग्नेट के वजह से जो फोर्स एक्सपीरियंस या फील्ड जनरेट होगा उसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जैसे जैसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट में करंट की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी, है ना, कि उस कॉइल को रोटेट कराने के लिए जो फोर्स जनरेट होगा वो ज्यादा से ज्यादा हो सकता है एज कंपेरिजन टू बार मैग्नेट। तो हम क्या करेंगे,
कि इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम यूज करेंगे किसके कंपैरिजन में, बार मैग्नेट। तो हम कहेंगे सर ए इलेक्ट्रो मैग्नेट इज यूज्ड इन कमर्शियल मोटर, जो अपने घरों में मोटर लगी है ना, कमर्शियल मोटर। क्यों? बिकॉज इट जनरेट मोर मैग्नेटिक फील्ड। बी लिख दें, मैग्नेटिक फील्ड इंस्टीड ऑफ बार मैग्नेट। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि जितने भी घरेलू मोटर होती है, क्योंकि वो तभी इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं, और जैसे जैसे करंट आपका बढ़ेगा वैसे वैसे ही उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो जो कोई लगी होती है वो तेजी से रन कर सकती है। क्लियर हुई बात? तो ये हमारा वर्किंग प्रिंसिपल था इलेक्ट्रिक मोटर का। पहले आप हाफ वे में करंट को इंड्यूस करेंगे, और स्प्लिट रिंग फिर अपने आप ही क्या कर देगी, आप कहेंगे सर स्प्लिट रिंग अपने आप ही उस कम्यूटेटर की तरह एक्ट करके करंट की डायरेक्शन को चेंज करेगी, तो फोर्स रिवर्स हो जाएगा, तो जो कॉइल ऐसे घूम रही थी पहले अब बाद में फिर ऐसे नीचे से ऊपर, है ना ऐसे। एक और पढ़ लेते हैं जिसका नाम है फ्लेमिंग लेफ्ट की बजाय राइट हैंड रूल। ठीक है, हटा दें। राइट हैंड रूल, अगर आपने लेफ्ट ठीक से समझा है तो ये बिल्कुल वैसा ही है, बस हैंड चेंज हो गया है, बाकी सारी चीजें सेम है। देखिए ये राइट है, वैसे ही करिए, स्ट्रेच थंब, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर, इन दिस वे दे बिकम्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। से आधी बातें सेम रहे, तो ऐसे तो करते हैं। थोड़ा सा डाउन कर लेते हैं, यही वो ए बी आप चाहें तो सी, लेकिन अब इधर आने की बजाय ये नॉर्थ की तरफ जाएगा, ये लो बाकी सारे सेम पॉइंट। ये किसको शो कर रहा है, बोलो, थंब को, और थंब किसको शो करता था पहले ही बता चुके हैं, एक तो मोशन को, और मोशन ना हो तो आप क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे सर फोर्स। ठीक है, ओके, इसको डी नाम दे दिया। ये किसको शो करता है, आप कहेंगे सर फोर फिंगर, और फोर फिंगर जो है वो क्या शो करेगी, आप कहेंगे सर फोर फिंगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है जी, ये भी ठीक है। ये किसको शो करता है, आप कहेंगे सर मिडिल फिंगर, और मिडिल फिंगर हमारी क्या शो कर रही थी, आप कहेंगे सर मिडिल फिंगर जो है वो हमारी शो कर रही थी किसको, तो आप ये में एक करंट डाल, बस। ठीक है,
वो ही लगा सकते हैं, वैसे इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ये वर्टिकली डाउनवर्ड है, ये आपकी नॉर्थ डायरेक्शन है। एक वीडियो कॉल बनेगी आपकी, उस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे किसकी, आप कहेंगे सर इलेक्ट्रिक जनरेटर की। सेम वर्किंग प्रिंसिपल होगा जैसे मोटर का था, लेकिन उसमें कुछ चीजें चेंज होंगी हल्की सी है। दूसरा, उसमें हम आर्मेचर का यूज करेंगे। एक आपका डोमेस्टिक यूज होगा, ओवरलोडिंग होगा, फ्यूज होगा, तो ये छोटी छोटी ट्रॉप्स बची है जो अगले वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो में हमने दो टॉपिक समझे हैं, एक इलेक्ट्रिक मोटर और एक आपका फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। अब राइट हैंड रूल पर ही हमारी काम करेगी इलेक्ट्रिक जनरेटर, ठीक है? देखते हैं क्या है। ओके, मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।